कर दीजिएगा। नागा हेरिटेज विलेज अब हम आ गए हैं नागा हेरिटेज विलेज में और आप देख पा रहे हैं हमारे प्रेम जी को मुझे और हम आ गए हैं नागा हेरिटेज विलेज में। देखिए आप चारों तरफ अब हम आ चुके हैं कैशिमा नागा हेरिटेज विलेज जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। आपने देखा था गेट से हम इंटर कर चुके हैं, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। और ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक हर साल कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे नागालैंड में वैसे तो 120 ट्राइबल्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्राइबल्स के कल्चरल आइडेंटिटी को, नागालैंड की पहचान को यह विलेज प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। उनके रहन सहन को, उनके कल्चर को ये सब शो करने की कोशिश करता है। और आज नागालैंड में बहुत ज़्यादा बारिश है कोहिमा में, तो मैं यहाँ आया हुआ था तो मैंने सोचा इस नागा हेरिटेज विलेज को देख लेते हैं। अभी खैर आ चुके हैं कैशिमा हेरिटेज विलेज में, ये देखिए इधर सीनियर टूरिस्ट ऑफिसर है, बाहर से देखना है। ये देखिए जब ये मेला होता है दिसंबर में 1 तारीख से लेके 10 दिसंबर तक ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, तभी यहाँ दुकानें चलती होंगी, तभी ये खुलता होगा। हैं हाँ टूरिस्ट लोग तभी आता होगा। सब बनी है, आदमी भी आता है वो देख लो, वहाँ लिखा पड़ा है ऊपर पहाड़ी में, क्या लिखा है मैं दिखाता हूँ, नागा हेरिटेज विलेज उस पहाड़ी में लिखा है, देखा आपने सुंदर। जब यहाँ फेस्टिवल होता होगा तब ये सस्ता होगा। इधर क्या है, हेरिटेज बोम्बू हॉल मेडिसिनल बूथ से। अच्छा ये है, उधर अब नज़र आ गया। सब ट्राइब्स का अपना अपना घर बना के रखा है, शेर घर जो है ना, अपना अपना ट्राइब्स का बना के रखा है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, पार्किंग है ये एरिया, पार्किंग एरिया। हम किसी एक जगह से इंटर करना चाहेंगे अंदर, फिर देखेंगे आराम से। मैं सोचता हूँ कि लास्ट कोने से शुरू करूँ और इधर पाऊँ। हेरिटेज विलेज ट्राइबल मोर्गन मोर्गन्स, ये देखो मोर्गन्स मोर्गन्स। इधर उधर क्या है, और यही है मेन टूरिस्ट विजिटर्स यहाँ पे। ये फेस्टिवल काचरी मोरोंग, ये काचरी ट्राइब का है, देखिए कचरी कचरी लोगों का घर है, अपना अपना ट्राइब का बना के रखा है। अब सबसे पहले हम विजिट कर रहे हैं काचरी ट्राइब का मोरंग 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 मतलब हाउस ना। तो काचरी ट्राइब जो है डिस्ट्रिक्ट दीमापुर से बिलोंग करता है। इनका मेन फेस्टिवल बिशु होता है और वो बिशु जनवरी में मनाया जाता है। तो देखिए आप इसका, इनके घर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किस तरह से बना हुआ है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। और साथ में ये अब सेकेंड आएगा, ये सेकेंड है गारो ट्राइब का। और इनके घर कैसे होते हैं देखिए आप, ये इस तरह के बने होते हैं बम्बू और बांस से, इस तरह की कलाकृतियां हैं, अद्भुत है, मनोगम है,
यह गारो ट्राइब से बिलोंग करता है। गारो दुनिया के कुछ बचे हुए मात्र वंशीय समाजों में से एक है, यानी व्यक्ति अपनी माता से अपने कबीले की उपाधि लेते हैं। पूर्ण रूप से सबसे छोटी बेटी को अपनी माँ से संपत्ति विरासत में मिलती है। बेटे अवस्था में माता के पिता के घर को छोड़ देते हैं और गांव को स्थानक छात्रवास में प्रशिक्षित होते हैं। शादी के बाद पति पत्नी के घर रहता है। ऐसी व्यवस्था है, ये गारो का मोरंग है, आपको दिखाई देगा गारो मोरंग कैसा होता है। ये लोथा मोरंग है, तो इनका मुख्य फेस्टिवल होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है, एक फसल उत्सव और जाने जाते हैं डांस के लिए, फोक सॉन्ग के लिए।
देखिए आप कैसे था। लीजिए लीजिए पकड़िए आप। गिरना मत है। छोड़ दीजिए उधर मत जाइए, आदमी लोग पार्टी करके बैठे। एक मिनट देखा ना, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ पार्टी करके बैठे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात I'm Chris. Oh, you are yeah. cooking. I'm Chris. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Where from? Nice to Uttarakhand. Meet you. Nice to meet you. Where from? Uttarakhand. Uttarakhand. It's my. Aap pakde hain. पोचरी ये भी एक ट्राइब है, इनका घर देखिए पोचरी, ये शिकार करते होंगे शायद ना। ये ताला लगा है, इसके बारे में जरा सा लिखा है। ये भी देख लिया पोचरी में, टूरिस्ट लोग आने से गाड़ी पार्क इधर में करेगा, इधर में बैठेगा, खाना वाना इधर में करेगा।
ये ग्राउंड है जिसमें डांस वांस फंक्शन वंक्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फेस्टिवल के दौरान वो होता है। ये देखिए सामने डेट होम नहीं देखा, ये ये नहीं देखा, ये क्या चीज़ है? मचान। मचान पेड़ में बैठते हैं लोग, ऊपर में उठ के बैठते हैं ऐसे दिखाने का लिए। सबसे पहले ये देखा था ना हमने, नहीं ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये भी नहीं देखा। चलो इसे भी देख लेते हैं। चाक हिंगसंग खारू रेंगनमा मोरंग, वो है रेंगनमा मोरंग। तो ये देख लीजिए भाई, पढ़ लीजिएगा भाई तुम लोग खुद ही, मेरे बस का नहीं है इसको पढ़ना। लास्ट है हमारा, इसके बाद समाप्त है चीफ मिनिस्टर। अच्छा उसका घर ऐसा होता है चीफ है, इसी सिंबल से पता चलता है ना कि वो चीफ है। इसीलिए घरों पर मैं देख रहा था कि बना हुआ जलियांग मोरंग, जलियांग जलियांग यहांग की बहुत सारे हैं। अब जब आप यहाँ आएगा तब उनके कहन सहन कपड़े वपड़े देखेगा तो पहचान जाएगा, जब तक नहीं देखेगा तो कहाँ से। कुकी इन, ये कुकी इन क्या है? कुकी, अच्छा कुकी क्योंकि बाहर भी बैठने के बांस का बनाया पूरा ना, बम्बू का।
ये था, इस तरह से हमने ये पूरा देख लिया। अब हमारे साथ प्रेम जी ये गए और वो परेशान हो गए मुझसे। क्यों प्रेम जी, और ये क्या चीज़ ऑफिस है? चर्च। चर्च, अच्छा ये चर्च है। चर्च भी बहुत सुंदर है, सब लोग यहाँ प्रे करते होंगे। और वो सामने क्या है, ऑफिस होगा कोई? हाँ गाड़ी आ रहा है। हाय, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2021 का है। ये क्या चीज है? अद्भुत प्राणी नजर आता ना मैं, इसलिए हाई बोल रहा मुझे। अच्छा, ये लेकिन इसमें जो सिंबल बना है ना, वो ये जो सिंबल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला है जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये सिंबल जो है चीप को शो करता है ना, चीप ट्राइब होता है ये। ऐसे उसने बनाया, चीप ने बनाया, लेकिन कोहिमा के ज्यादातर घरों में ये बना हुआ है ना सिंबल इस तरह का, उसका मतलब क्या है? जानकारी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अभी किसी से पूछेगा। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल प्लेस है जहाँ पे नागा ट्राइब्स ऊपर लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ था, दिखाई नहीं देगा मुझे, ये लिखा है ऐसा कुछ।